हेलो, राम राम, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप? तो यह है बृहस्पतिवार का दिन, तो यहाँ पे मैं सुबह मंदिर को साफ कर रही हूँ क्योंकि मैं करूँगी शुक्रवार को उद्यापन। तो यहाँ पे एक दिन पहले मैं उद्यापन की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मंदिर को हम साफ कर लेते हैं और पहले पुरानी जो अबरी थी वो मैंने निकाल दिया है और ये नई अबरी लगाई हूँ। और मैं हर तीसरे महीने में अबरी को चेंज करती रहती हूँ ताकि मंदिर अच्छा लगे और साफ़ सुथरा, क्योंकि हम लोग धूपबत्ती लगाते हैं ना, तो उसकी कालिक पूरी अबरी पे हो जाती है। और मैं कहते हैं ना कि अध्यापन के लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार का सामान है सारा, जो श्रृंगार का सामान लगता है आप अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी माता रानी को आप चढ़ाएंगे उसमें माता रानी खुश रहती हैं। तो ये श्रृंगार का सामान हो गया है और ये 8 लड़कों के लिए मैंने कटोरी ली है। और क्योंकि जब भी उद्यापन करें तो एक बर्तन तो अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपनी वॉइस मैंने यहाँ पे बंद कर दी थी क्योंकि हमारे यहाँ टीवी चलती रहती है ना, तो इसी वजह से। और ये देखिए बर्थडे का सामान है, वो मैंने आपके साथ बर्थडे का शेयर पहले कर दिया था। ये काफ़ी दिन का वीडियो है तो मैंने नहीं आपके साथ शेयर किया है। तो उद्यापन करने के लिए मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है पहले से ही। और प्लीज़ आप हमारे चैनल पर हैं तो, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल उसको दबा दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे भी चैनल को। और चलती हूँ और आपको थोड़ा सा काम है वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल चावल बना रही थी बृहस्पतिवार को, और क्योंकि दोपहर को ना बच्चे दाल चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, दोपहर का सभी को बहुत ज़्यादा दाल चावल पसंद होता है ना। तो जहाँ पे दूध गर्म कर रहे हैं क्योंकि दूध मैं सुबह आ जाता है और मैं फ्रिज में लगाती हूँ, भूल जाती हूँ और काम सारे निपटाती रहती हूँ, दूध का ध्यान ही नहीं जाता है कि दूध बॉयल होने के लिए रखा है। तो यहाँ पे हम दूध, ये अगले दिन का शुक्रवार का व्रत की मैंने जितना उद्यापन की तैयारी थी वो मैंने 4 बजे उठ के तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे हमारे जेठानी का बेटा आया हुआ है क्योंकि उसे भी उद्यापन की उद्यापन करना था। और क्योंकि गांव में उद्यापन के लिए बच्चे नहीं मिलते हैं ना, देते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये तो माता रानी का आशीर्वाद मिलता है ढेर सारा और उनकी कृपा से आपको बच्चे भी मिले हैं, तो आप ही बच्चे को उनके उद्यापन के लिए मना कर देते हो, तो ये गलत बात है। खैर छोड़ो, उनकी मन की बात, मर्जी की बात है। तो ये इसने फ़ोन किया था, बोला चाची हम उद्यापन करना चाह रहे, तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ, हम उद्यापन कर रहे हैं साथ ही में कर लेते हैं, ये तो हमारे घर के ही सदस्य हैं। तो यहाँ पे हम उसको किताब पढ़ने के लिए दे देते हैं और यहाँ पे हम तब के लिए माता रानी को पूजा की तैयारी कर लेते हैं और उनका श्रृंगार कर देते हैं सम, और उनका भोग भी लगाने के लिए रख देते हैं। तो आरती भी करने के लिए तैयारी कर देते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं कि यहाँ से पढ़ो, पूजा आरती हो चुकी है और यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं उद्यापन खाने के लिए। तो हम उद्यापन वहीं खिलाएंगे जहाँ पे मैंने पूजा की है, तो हमेशा उद्यापन वहीं खिलाना चाहिए जहाँ पे आपने पूजा की है, क्योंकि माता रानी बहुत खुश होती हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो यहाँ पे उद्यापन में हम खिला रहे हैं आलू की सब्जी और पूड़ी, खीर, चने की घुघरी और एक एक केला दे दूँगी। तो बस इतना ही मैंने बनाया था उद्यापन के लिए, और जब भी मैं खिलाती हूँ इतनी ही चीज़ें बना के बच्चों को खिलाती हूँ। बच्चे आराम से घर पे ही खिलाओ तो आराम से खा भी लेते हैं,
और उद्यापन वही करना चाहिए जहाँ पे आपने माता रानी की पूजा करती हो तो अच्छा रहता है और माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है और बच्चे बहुत ही आराम से खा भी लेते हैं। और यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार का सामान है चढ़ा दिया है और उद्यापन संपूर्ण हुआ। आराम से बच्चों ने खा के और वो चले गए हैं अपने घर। उद्यापन मेरा पूरा हुआ और अब आए हैं मंदिर, क्योंकि सुबह जल्दी नहीं आ पाते मंदिर क्योंकि बहुत सारा इंतजाम करना होता है और बच्चों को उद्यापन जल्दी खिलाना होता है क्योंकि बच्चे व्रत नहीं रह पाते हैं और हम बच्चे व्रत लेकर ही उन्हें उद्यापन खिलाते हैं। और यहाँ पे माता रानी का दर्शन कर लीजिए और बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए आराम से और आपको भी कराते हैं। माता रानी सभी का मनोकामना पूरी करें। माता रानी सभी का मन्नत बहुत ज़्यादा पूरी करती हैं और पहली बात है बिना मांगे सब कुछ दे देती हूँ। मैं कभी नहीं माता रानी के मांगी हूँ, उन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है। बस माता रानी सभी को खुशहाल ज़िंदगी दे और बस खुश रहे, ज़िंदगी अच्छे से चलते रहे। और क्या माता रानी से मांगे कि अगर घर में खुशहाली है तो सब कुछ है।